गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज RBI असिस्टेंट का रिजल्ट आने के बाद मेरे से अच्छे से टास्क नहीं हो पाए, तो इसलिए मैंने भी फ्रेश माइंड से कल के लिए अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल बनाया जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें वन वीक के लिए फॉर श्योर मेरे शेड्यूल में फिक्स होने वाली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं डेली बेसिस पे वन मेंस लेवल का मॉक देने वाली हूँ और उसका प्रॉपरली एनालिसिस करने वाली हूँ। और कल मैं क्या करने वाली हूँ, गाइडली की मेंस लेवल की दो PDF सॉल्व करने वाली हूँ, एक इंग्लिश की रीजनिंग और कॉन्ट्स, तीनों सेक्शंस मेरे गाइडली की मेंस लेवल PDF से सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हम जितने भी न्यू वर्ड सीख रहे हैं उन सबकी वकैब हम एक पेज पर लिख लेंगे ताकि हमारी डेली वकैब वहाँ से भी रिवाइज होती रहे। उसके अलावा वर्ड पर मेड ईजी का मैं एक वन सेशन करने वाली हूँ प्रॉपरली, और आशीष गौतम सर हैं जो अड्डा 247 वाले, उनकी करंट अफेयर्स की मैं वीडियो देखने वाली हूँ। ये है हमारा फिक्स पोर्शन जो हम कुछ टाइम के लिए अपनाने वाले हैं। उसके अलावा हम और क्या क्या करने वाले हैं, कल क्या है, 22nd of April है, तो कल के हमारे शेड्यूल में क्या क्या होने वाला है। हमने कल भी किया था स्टैटिक की PDF है ना, जो अफेयर्स क्लाउड की मार्च मंथ की स्टैटिक अवेयरनेस की PDF है अफेयर्स क्लाउड की, एक तो वो करनी है हमें, 36 पेजेस की है अप्रॉक्सीमेट। उसके अलावा मार्च मंथ की वीकली PDF है अफेयर्स क्लाउड की, अफेयर्स क्लाउड की मार्च मंथ की वीकली PDF है। चार PDF है, मार्च 1, 2, 3 and 4, ये मैं चारों PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। मार्च वीक की है, मार्च वीक 1, मार्च वीक 2, मार्च वीक 3, मार्च वीक 4। इसमें ना मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो लर्निंग वाला है, तो इसमें जो सिर्फ हाईलाइटेड वाले टास्क है ना मैं वो पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि उनका मुझे मल्टीपल रिवीजन चाहिए ताकि जो मेरा मार्च मंथ है वो प्रॉपरली हो सके। तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन के लिए जो मार्च की चारों वीक्स की PDF है वो शेयर हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये मार्च वीक की जो PDFs है उनमें सिर्फ हाईलाइटेड वाला पोर्शन मुझे पढ़ना है, एक मुझे ये काम जरूर करना है क्योंकि स्टैटिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो भी ESIC MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ESIC SSO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो अभी हमारे पास इसमें थोड़ा टाइम है तो इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। कुमार गौरव सर की मैं क्लास लगाने वाली हूँ जब तक मेरा ESIC का होने जाता एग्जाम, क्योंकि क्या है जो कुमार गौरव सर है ना उसमें उत्कर्ष क्लासेस के हैं ये YouTube पे, इनकी क्लास क्या है, इससे स्टैटिक बहुत अच्छी आ जाती है एग्जाम में। ये बैंकिंग के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि मैंने ESIC MTS और ESIC SSO का एग्जाम फिल किया हुआ है तो इनकी डेली करंट की क्लास आती है जिसमें ये स्टैटिक भी करवाते हैं। इनकी क्लास भी मैं 2x पे देखने वाली हूँ, तो कल से मैं ये ऐड अप कर रही हूँ अपने शेड्यूल में जब तक मेरा ESIC MTS और ESIC SSO का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने UDC के एग्जाम से एनालाइज किया कि सर की क्लास में से क्वेश्चंस काफी अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग के लिए इतना नहीं होता, थोड़ा SSC की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। तो जो ESIC SSO और MTS का पैटर्न है वो थोड़ा SSC के टुवर्ड्स इंक्लाइंड है, तो इसलिए हमें ये क्लास लगानी चाहिए जिन्होंने ये स्पेसिफिकली एग्जाम्स फेल किए हैं। ठीक है, तो मैं ये क्लास अपने शेड्यूल में ऐड करूँ। सो दिस इज गोना बी माय शेड्यूल फॉर टुमारो। ओके, अगर आपकी कुछ भी सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।